नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। महीने का 10,000 कमाने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके नाम से अगर कहा जाए, नोटिस आ जाए करोड़ों का, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, 400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मनोज यादव रोहतास जिले के करहगर गांव का रहने वाला है। जब इसके घर आपको आयकर विभाग की टीम पहुंची और जब नोटिस थमाया तो मानो इसके सर से आकाश छिन गए और पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। अधिकारियों ने कहा कि आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके नाम से क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं आप, पहले आप नोटिस लीजिए और 5 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब दीजिए। अब ये बेचारा मजदूर वर्ग का व्यक्ति अब तो सोचने पर मजबूर हो गया। अभी से पता नहीं चलता था कि मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करता हूं कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम का नोटिस आ गया। जरा सुनिए वो शख्स क्या कह रहा है। टैक्स के लोग आपके घर पर आए थे, क्यों? ये फ्रॉड हुआ था मेरे संग, इसलिए आए थे। क्या हुआ था? ये बैंक में थोड़ा हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए और वहीं से फ्रॉड सब कर लिया। क्या किया था बैंक से? मतलब कि जैसे हम लोग आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं बैंक के द्वारा, ले जाओ आधार कार्ड बैंक दोगे तभी तो कमाओगे खाओगे, 10,000 रुपये का महीना करने वाले खाता खुलवाते हैं हम लोग। खाता खुलवा के वो सब फ्रॉड कर देते हैं मेरे सामने। क्या हुआ था उसमें? मेरे ये हुआ था कि जैसे मैं गया था कमाने, कहाँ? दिल्ली हरियाणा, मतलब हर एक जगहों पर मैं जाता हूँ जहाँ पैसा जहाँ मिलता है 10,000-12,000-15,000 रुपया, वहीं पर जाता हूँ कमाने खाने के लिए। और ऐसा होता है कि कोई उसी में फ्रॉड कर देता है। तो क्या हुआ था? इनकम टैक्स के लोग क्यों आए थे, क्या बोल रहे थे? ये मेरे पास आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि जैसे मैं आपका पैसा लेन देन कहीं के बिजनेस किए हैं इसके आधार पे ही हो, तो हम बोले सर क्या बात है? तो बोले कि जैसे मैं हम लोग का कमाने खाने वाला आदमी हम लोग हैं और इतना का बिजनेस टर्न ओवर करते हैं। कितना का बिजनेस टर्न ओवर का दिखाया गया? वो तो बताया था करोड़ों का ऐसे है। कितना करोड़? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम है कि बोले थे कि करोड़ होता है तब नहीं जीएसटी भरिएगा ये वो फलान चिलान। तो कितना रिटर्न भरने के लिए वो लोग आए थे, कितना तो बोले थे? करोड़ के ऊपर बोले थे। अब करोड़ कितना करोड़ उतना भी समझौता मेरे पास ना हुआ, ना वो मुंह खोल के बोले कि इतना का है। आपको एक नोटिस भी दिया है वो लोग? जी। नोटिस में क्या है? नोटिस में लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, पैन कार्ड से अभी लिंक है। उसमें राशि भी लिखा गया है कि कितना का राशि? नहीं, उसमें राशि नहीं लिखा, मतलब करोड़ों रुपया के बता रहे थे कि आपको इनकम टैक्स जमा करना है। लेकिन आप मजदूर हैं, आप वो टर्नओवर नहीं किए। नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। कहाँ करने वाले हैं? करहगर का। की टीम आई थी, आप मनोज के परिजन हैं, क्या हुआ था उस समय? अरे वही पूछे कि मैंने इतना रुपया कहाँ से आता, हम कहें कि भाई एक दिन कहीं बाहर गए ना कहीं आ कहाँ से पैसा इतना पा ले आके दे बिना सके सब आके। आखिर मैंने एक सबूत हो गए कि चाहिए कागजात हो गए कि चाहिए कि नहीं, मैंने हमारे पैसा लिहल पासबुक भी हो गए के चाहिए, यह पासबुक से पैसा लिया और कुछ भी नहीं दिए, खाली कहा कि इतना टीम हो आया है, मैंने इनकम आया है। तो हम कहे कि भाई ये तो कहीं गया नहीं है, यही तो बात हम बोल रहे। कितना के लोग इनकम? हमसे इनकम का बात नहीं बताए। हाँ, हम यही पूछे कि आप लोग क्या बात है, तो कहो कि हम इनको ले आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हजारी जादू है। क्या लगते हैं? हमारा भतीजा लगता है। तो आपने सुना, ये मनोज यादव और उनके परिजन हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि ये आखिर नोटिस मेरे पास कैसे पहुंच गई, क्योंकि हम लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं, 400 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले, 10,000 का मंथली, 15,000 का मंथली कमाने वाले। और ये मनोज यादव ने बताया कि इसे कि मैं दिल्ली और हरियाणा जाता हूँ कमाने के लिए, वहां पर कंपनी के जो मैनेजर होते हैं या जो भी इनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं वो लोग मेरे से आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांग करते हैं, हम लोग दे देते हैं। और उसके बाद ये मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और वो लोग मेरे नाम से जाली खाता चलाकर करोड़ों का ट्रांजैक्शन किए, जिसके एवज में मेरे पास ये नोटिस आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्की चीज होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड। बहुत इजी वे में हम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके के ट्रांसफर करते रहेंगे तो आज आपका भी हश्र मनोज यादव की तरह हो सकता है, रोहतास के करहगर के रहने वाले मनोज यादव की तरह हो सकता है। दिल्ली गए थे, हरियाणा गए थे कमाने के लिए, ये पूरे गाँव में अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मनोज यादव ने कितने का ट्रांजैक्शन किया, करोड़ों का बिजनेस किया, जबकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है। स्वाभाविक है,
अगर उतने पैसे आएंगे तो उनके चेहरे तो खिले खिले नजर आएंगे, लेकिन वैसे कुछ तो दिख नहीं रहे हैं। तो अब ये रोहतास में चर्चा का विषय बन गया है कि मनोज यादव के यहाँ आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई थी और करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन को लेकर नोटिस थमाई है और 5 दिनों में इसका जवाब मांगा गया है। ये काफी सुर्खियों भरी खबर थी, इसीलिए सचेत रहिए, सजग रहिए। आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को शेयर करने से पहले बारीकी से जांच कीजिए, उसके बाद ही किसी से ये शेयर कीजिए, नहीं तो आपका भी हश्र रोहतास करा करके मनोज यादव की तरह हो सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और